निर्भया केस के सभी चार दोषियों को कल 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। गैंगरेप के पीड़ितों की याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि अंततः दोषियों को फांसी होगी और अब 7 साल के बाद मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में पवन की दूसरी क्यूरी पटिशन थी, आज वो खारिज हो गई, उसकी मर्सी तक खारिज हो गई है, लेकिन जो भी है ये जबरदस्ती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इनको फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश को इंसाफ मिलेगा। परिवार के वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि अब उन्हें लगता है कि कल चारों दोषियों को सुबह 5:30 बजे फांसी हो जाएगी। निर्भया के दोषी अंतिम वक्त तक बचने की कोशिशें करते रहे। एक दोषी मुकेश की फांसी से बचने की एक और कोशिश बेकार गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दोषियों में शामिल मुकेश की नई याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। मुकेश का दावा था कि अपराध के समय 16 दिसंबर 2012 को वो दिल्ली से बाहर था। दिल्ली हाई कोर्ट उसके इस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है। मुकेश की याचिका में दोषी ने फोन कॉल के रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट मांगने के साथ ही ये घोषणा करने का अनुरोध किया गया था कि फांसी पर लटकाए जाने के अंतिम क्षणों में भी उसे किसी भी कोर्ट में जाने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। मुकेश ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे फांसी दिलाने के बाद भी मामले के तथ्यों का न्यायिक परीक्षण होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई निर्दोष व्यक्ति मीडिया के दबाव में न्याय की विफलता का शिकार नहीं हो। वही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2012 में इस अपराध के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के मामले में सजायाफ्ता चारों दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी आज पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। अक्षय की पत्नी ने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए। अदालत के बाहर चीखते हुए उसने कहा कि मुझे भी न्याय चाहिए, मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहती, मेरा पति निर्दोष है, ये समाज उसके पीछे क्यों पड़ा है। अक्षय की पत्नी ने कहा कि हम इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन पिछले 7 साल से हम रोज मर रहे हैं। अक्षय की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वकीलों ने उसे काफी समझाया। हालांकि पीड़िता के परिजन के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वकील ने कहा कि अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है, अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है, लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। निर्भया केस के सभी दोषी अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।